मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको आज हम ये जो है कंटकनेव कंटकम पाठ का सातवां प्रश्न कर रहे हैं। इसमें आपको मात्र शब्द की प्रथमा विभक्ति दी हुई है और उसी के अनुसार आपको सृष्ट शब्द की प्रथमा विभक्ति लिखनी है। तो मात्र शब्द की प्रथमा विभक्ति है माता, मात्रो, मातरहा, तो इसकी हो जाएगी स्वसा, स्वसारो, स्वसारहा। तृतीय विभक्ति में मातृ शब्द का है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, तो स्वस्त शब्द की तृतीय विभक्ति होगी स्वस्त्रा, स्वस्त्रभ्याम, स्वस्त्रभि। ठीक है, सप्तमी विभक्ति अब आपको स्वस्त की दी गई है और आपको माता शब्द, मातृ शब्द में वो लिखनी है सप्तमी विभक्ति। तो स्वस्त की है सुश्री, स्वस्त्रौ, स्वस्त्रसौ। ठीक है, तो इसमें माता में होगा मातरी, मातृहो, मातृषु। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति भी आपको सुश्री भाव की दी हुई है स्वसुहु, स्वस्त्रो, स्वस्त्रणाम। तो मातृ शब्द में ये होगी मातुहु, मातृहो, मातृणाम। ये री पर ध्यान दें, ये वृक्ष वाली री नहीं है, ये दीर्घ स्वर वाली री है। ठीक है, संस्कृत में आपकी दीर्घ री भी होती है तो ये वही है। ठीक है, प्रश्न संख्या सात में आपको पद दिए गए हैं, पद है आपके और आपको उनकी धातु बतानी है और प्रत्यय बताना है। तो पहला हमारा पद है दृष्टुम। दृष्टुम में आपको दिख रहा है दृष धातु है, दृष धातु और तुमुन प्रत्यय। करणीय, करणीय में कृ धातु और अनियर प्रत्यय। पातुम में पा धातु और तुमुन प्रत्यय। इसी तरह से खादितुम में खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। कृत्वा में कृ धातु और वा प्रत्यय है। धन्यवाद, ये आपका पाठ पूर्ण हुआ।